इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट वायरलेस नेटवर्क्स। इससे पहले डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में आप नेटवर्किंग की बेसिक्स और बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है उस पर बात कर चुके हैं। इन द डाटा कम्युनिकेशन कोर्स यू हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड फिक्स्ड नेटवर्क। नेटवर्क्स को अगर मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कैटेगराइज करें तो दो टाइप्स होती हैं नेटवर्क्स की, फिक्स्ड नेटवर्क्स एंड वायरलेस नेटवर्क्स और मोबाइल नेटवर्क्स। ठीक है, फिक्स नेटवर्क्स के हवाले से डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में काफ़ी सफिशेंटली आप डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये वाला जो कोर्स है ये वायरलेस टेक्नोलॉजीज वायरलेस नेटवर्क्स के हवाले से है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का क्या है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द कोर्स, कि आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स हम किस लेवल पे होंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कोर्स का सिलेबस क्या है, थ्रू हमने क्या क्या टॉपिक्स हैं इस लेक्चर के अंदर, कौन कौन से एरियाज हैं जो इस कोर्स के अंदर हम टच करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर आज का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम स्टडी करेंगे, दैट इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन। हम देखेंगे कि वायरलेस नेटवर्क्स बड़ी पॉपुलर फील्ड है, पिछले लास्ट डेकेड के अंदर बड़ा हॉट रिसर्च एरिया भी रहा और बहुत ज्यादा मार्केट, एक अलग से इंडस्ट्री बन गई हुई है वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो कौन कौन से ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क वायरलेस कम्युनिकेशन होती क्या है, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, बेसिक्स देखेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन में, सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि सिग्नल की फॉर्मेट पे बात करेंगे। ठीक है, रेडियो वेव्स के हवाले से हमारी बात होगी, फिर हम चैनल कैपेसिटी के हवाले से बात करेंगे, बड़ा एक सीरियस कंसर्न होता है चैनल कैपेसिटी वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर। उसके साथ साथ हम डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन को जो मैटर करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, उन पे बात करेंगे, जस्ट लाइक सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे हम बात करेंगे। तो फॉर्मली आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है हमारे कोर्स का वो उसको ये है कि हम जान सकें बिल्ड बेसिक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बेसिक्स जो है वायरलेस कम्युनिकेशन की, डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में आपने बेसिक्स स्टडी की थी फिक्स्ड नेटवर्क्स कम्युनिकेशन के हवाले से, यहाँ पे हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बेसिक्स को स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कि ये जो आज जिस लेवल पे हम हैं वायरलेस सिस्टम्स के हवाले से, ये एवोल्यूशन कैसे हुई है, ये ग्रोथ कैसे सिस्टम ग्रोथ हो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क्स, ये जो एवोल्यूशन है ये क्या पाथ है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई है। ठीक है, ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से थे, जो चैलेंजेस कौन कौन से थे टेक्नोलॉजी के सामने, जो यहाँ पे आज हम 5 टेक्नोलॉजी के ऊपर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो पॉपुलर वायरलेस नेटवर्क्स हैं, पॉपुलर स्टैंडर्ड्स नेटवर्क्स के हवाले से, उन पे हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ इसी कोर्स के अंदर हम देखेंगे रिसर्च इश्यूज इन इमर्जिंग वायरलेस नेटवर्क्स, जो आज के न्यू वायरलेस नेटवर्क्स आ रहे हैं उनमें रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से रिसर्च एरियाज भी हैं। आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, थीसिस के पे भी आप वर्किंग कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी इसमें आप जो बच्चों जिनको कम्युनिकेशन में नेटवर्किंग है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करें कि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। तो बहुत अच्छा एक रिसर्च एरिया है वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क्स के ट्रायल्स हो रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क्स के अंदर डिफरेंट इश्यूज हैं, आप किसी भी इशू को जो है वो टारगेट करके रिसर्च अपनी जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें हम कोर्स के एंड पे भी हम बात करेंगे कुछ जो रिसर्च एरियाज हैं वायरलेस नेटवर्क्स के हवाले से, तो उस हवाले से भी हमारी बात होगी। एंड आफ्टर स्टडिंग द कोर्स इंशाल्लाह वी विल हैव एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स। ठीक है, एंड वी इंशाल्लाह एबल टू रिसर्च इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स। ठीक है, और इनफॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो इंशाल्लाह ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन के हवाले से जो डिफरेंट इशूज होते हैं उनको आप हैंडल कर सकेंगे। ठीक है, और मोर इनफॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो ये है कि आप अपने पड़ोसियों का जो वायरलेस का पासवर्ड है वो भी हैक कर सकेंगे इंशाल्लाह, अगर हमें मौका मिला। नेटवर्क सिक्योरिटी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो वो प्रोटोकॉल देखेंगे, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं जो नॉर्मली PTCL के जो मॉडल्स होते हैं उनके अंदर जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट हुआ है उसके भी एरिया से इंशाल्लाह हम बात करेंगे।
कोर्स के सिलेबस से बात के हवाले से बात कर लेते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह ये थ्रू आउट द कोर्स ये बस यही टॉपिक्स हैं, आउटलाइन में मौजूद हैं। इन्हीं टॉपिक्स को हमने इंशाल्लाह मुकम्मल करने की स्टडी करेंगे इंशाल्लाह हम कोर्स के अंदर। फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन, दैट इज पार्ट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वी विल स्टडी एवोल्यूशन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है, मीडियम एक्सेस टेक्निक्स अवेलेबल इन वायरलेस कम्युनिकेशन, इन पे डिस्कशन हमारी होगी। प्रोपगेशन मॉडल्स जो अवेलेबल हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर उस पर हम बात करेंगे। एरर है, बड़ी सीरियस चैलेंज है वायरलेस कम्युनिकेशन के हवाले से, दैट इज नॉट एज मच क्रिटिकल इन फिक्स्ड नेटवर्क, ठीक है, वायर्ड नेटवर्क्स। Error control techniques, these have to be very serious consideration in wireless communication. इन पे हम बात करेंगे क्या क्या challenges होते हैं error control के हवाले से, error detection and error correction के हवाले से, ठीक है, उन challenges पे बात करेंगे। फिर हम कुछ cellular mobile systems जो हैं cellular systems हैं उन पे बात करेंगे, जिस just like AMPS, IS-95, IS-136, GSM, इनमें से ये जो GSM है ये आप लोग इससे फेमिलियर होंगे, ठीक है, ये पूरी जो सिस्टम जो हैं जो सिम में पुरानी जो सिम जो हैं GSM मोबाइल के अंदर यूज होने वाली वो है, बाकी जो हैं वो प्रीवियस ओल्ड सिस्टम्स हैं उन पे भी हम बात करेंगे, उन पे उस हवाले से बात करेंगे कि इनमें बेसिक जो है वो पैरामीटर्स क्या क्या थे, उनमें लिमिटेशन क्या थी, कैसे न्यू जो सिस्टम है उनकी जरूरत सामने आई और उसमें हमने बात की, ठीक है। और उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट और जो मेन पार्ट है हमारे कोर्स का और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो काफी सारा है उसमें और रिसर्च के पॉइंट से है जो है डिफरेंट, उन पे हम बात करेंगे। इसमें ये वायरलेस नेटवर्क्स हैं फ्रॉम थर्ड जनरेशन नेटवर्क्स एंड फोर्थ जनरेशन नेटवर्क्स, GPRS, एच, WCDMA, CDMA 2000, मोबाइल IP, WLL, WLAN एंड ब्लूटूथ। इनमें से मोस्टली जो नेम है वो आपने कहीं मोबाइल की सेटिंग में और इस तरह से देखे होंगे, अलबत्ता टेक्निकली आई थिंक जो स्टूडेंट जो हैं वो नॉर्मली जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो थोड़ा बहुत नो हाउ होगा इन वायरलेस नेटवर्क्स के हवाले से। तो बाकी इंशाल्लाह हम यहाँ पे इस कोर्स के अंदर स्टडी करेंगे एंड आई होप के इट विल बी एन एंजॉयबल कोर्स वायरलेस कम्युनिकेशन। उसके साथ साथ लास्ट पे जो कोर्स हमारा वाइंड अप जब हम करेंगे तो जो इमर्जिंग नेटवर्क्स हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पे बात होगी, बाईमैक्स की हम बात करेंगे, मैनेट पे बात करेंगे और WSN, ये जो इमर्जिंग नेटवर्क्स हैं इन पे हमारी बात होगी, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर जो है हम शुरू करते हैं फॉर्मली। आज के लेक्चर में हमारा जो मेन एजेंडा है वो हम देखेंगे वायरलेस विजन, क्यों वायरलेस की जरूरत क्यों फील हुई, क्यों इसमें रिसर्च हुई, इतना पॉपुलर हो गया, ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। अब वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर डेफिनेटली सिग्नल है जो वॉइस को डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाने के लिए यूज होता है। सिग्नल को रेडियो वेव्स की मदद से हम कैरी करते हैं, कैरियर रेडियो वेव्स होती है जिनको हम लेकर जाते हैं, तो रेडियो वेव्स के हवाले से हम बात करेंगे। उसके साथ साथ चैनल कैपेसिटी की हम बात करेंगे, चैनल कैपेसिटी की हम बात करेंगे, डेफिनेटली ये वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर बड़ा एक सीरियस कंसर्न है चैनल कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाता जाऊँ वायर्ड नेटवर्क के हवाले से, आप एक फिक्स्ड वायर्ड नेटवर्क्स के अंदर आपने दो अगर टीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो उनके दरमियान एक इंडिपेंडेंट फिजिकल पाथ मौजूद होता है, ठीक है। तो एज सच चैनल की कैपेसिटी जो है वो सीरियस मैटर नहीं होता, जबकि हम वायरलेस मीडियम की बात करते हैं तो उसमें हम एयर इंटरफेस सिंगल एक इंटरफेस है जिसके अंदर हमें प्रोपोगेशन करनी होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बड़ा लिमिटेड और वो है, इस पर हम डिटेल से आज के लेक्चर में ही बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें चैनल कैपेसिटी जो है उसको बड़ा एक ऑप्टिमम लेवल पे रखना होता है, उसमें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमारी बात होगी सिग्नल टू नॉइज रेशो, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो बैंड विड्थ हमारे पास अवेलेबल है वायरलेस कम्युनिकेशन के हवाले से, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो अवेलेबल हैं उन पे हम बात करेंगे। अगर वायरलेस कम्युनिकेशन के कोर्स में आप अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसकी नो हाउ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप डिफरेंट नेटवर्क्स हैं WCDMA, CDMA 2000 इनको ज्यादा अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले है व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन। अगर इसको फॉर्मली हम डिस्क्राइब करें कि व्हेन टू बॉडीज कम्युनिकेट विदाउट हैविंग फिजिकल मीडियम, ठीक है, फिजिकल मीडियम
बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, मोर सिंपली अगर इसको मैं कहूँ कम्युनिकेशन, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं ट्रांसफर करना, एक्सचेंज ऑफ समथिंग वॉइस और डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इन वायर्ड कम्युनिकेशन देयर इज ए फिजिकल लिंक प्रेजेंट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ वॉइस और डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, तो इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी दो टाइप्स, वाइड कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। वाइड कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, व्हेन देयर इज ए फिजिकल लिंक, फिजिकल मीडियम, फिजिकल केबल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, इट इज कॉल्ड वाइड कम्युनिकेशन। एंड व्हेन देयर इज नो फिजिकल मीडियम बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, इट इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वायरलेस मीन, अगर मीडियम की हम बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हम एयर इंटरफेस को एज ए मीडियम यूज कर रहे होते हैं, फिजिकली कोई भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मौजूद नहीं होता बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सो इट इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज, व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर्स बिहाइंड वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखिए वो जिस तरह के मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन की फील्ड इतनी ग्रो कर गई हुई है, उन फैक्टर्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो मेन जो ड्राइविंग फैक्टर है, इट इज एन एक्सप्लोजिव इंक्रीज इन डिमांड ऑफ टीदरलेस कनेक्टिविटी। ठीक, आप एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच होकर कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, आप फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के दौरान कम्युनिकेशन भी करनी है और साथ एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ अटैच होके कम्युनिकेशन करना, इससे बोर हैं आप, ज्यादा इजी फील नहीं करते, इसलिए ये डिमांड है। हर बंदा चाह रहा है कि मुझे देखें, इसके अगर हम वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, डाटा कम्युनिकेशन की या वायरलेस वॉइस कम्युनिकेशन की हम बात करें, तो हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर PTCL फॉर एग्जांपल, तो PTCL के हैंडसेट के साथ आपको एक जगह पे फिक्स्ड लोकेशन पे खड़े होके बैठ के आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप मूव नहीं कर सकते ज्यादा, आप एक कॉर्नर को, उस कॉर्नर को छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो डेफिनेटली वायरलेस कम्युनिकेशन, आपकी डिमांड फिर क्या है, डिमांड्स ये हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में हो गई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की। हर बंदा चाहता है कि वो फिक्स पॉइंट के साथ अटैच ना हो, बल्कि मोबाइल फ्लेक्सिबल वे के अंदर एक उसे स्टिक ना होना पड़े एक जगह पे, वो मूव कर सके। तो ये सबसे मेजर ड्राइविंग फैक्टर है वायरलेस कम्युनिकेशन के हवाले से। ठीक है, देखिए जिस तरह आप चाहते हैं डिफरेंट, अगर आप या मैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि देखें अब मैं अपने गांव में, जिसे कहते हैं ना किकर के नीचे बैठ के ओपन एयर में लेक्चर आपको दे दूँ कंफर्टेबल मैनर में, डेफिनेटली वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल है। अगर वायर्ड हम कम्युनिकेशन की बात करें तो डेफिनेटली इसके लिए मुझे बड़ी स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़नी थी। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी पड़नी थी। ठीक है, आप में से कोई बच्चा चाहता है कि जी बात करते हुए जब अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है तो वो लॉन में वॉक करते हुए बातचीत कर ले। ठीक है, तो ये ड्राइविंग फैक्टर्स है। ठीक है, आपने शायद देखा नहीं है, पुराना दौर जब ये होता था तो मुझे याद है जब ये पाकिस्तान एयरफोर्स मैंने ज्वाइन की तो हमें घर बात करने के लिए लंबी कतार में कोई 20 बंदों की कतार में लगना पड़ता था। ठीक है, और उस पॉइंट पे फिक्स होके फिर हम बात करते थे। ठीक है, तो अब देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी डिमांड, फिर क्या हमें एक बड़ी एक ब्लेसिंग फील हुई जब मोबाइल कम्युनिकेशन का दौर आया, वायरलेस कम्युनिकेशन का दौर आया। ठीक है, कि आप अपने बेड पे बैठ, बेडरूम में बेड पे बैठ के, लॉन में बैठ के, चलते फिरते आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप एयरपोर्ट पे बात कर सकते हैं, आप ट्रेन के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठ कर बात कर सकते हैं, अपनी लोकेशन, अपनी खैर, ये सब कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसे टीदरलेस कनेक्टिविटी कहते हैं। ठीक, तो हम हर यूजर की ये डिमांड है कि उसको टीदरलेस कनेक्टिविटी मिले, मोबाइल इन्वायरमेंट मिले। ठीक है जी, तो ये मेन जो है वो ड्राइविंग फैक्टर जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के हवाले से था। उसके बाद साथ साथ देखें देखें कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो आइडियाज पहले से बड़े काफी अर्सा पहले से मौजूद थे। वायरलेस कम्युनिकेशन में का जो इंट्रोडक्शन जो फील्ड का हुआ, ये 1960s में था। 1960s के अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टूडेंट्स रिसर्च टॉपिक्स के अंदर आना शुरू हो गया हुआ था। ठीक है, अलबत्ता ये लास्ट डेकेड के अंदर ये बड़ी एक वाइब्रेंट किस्म की फील्ड के तौर पे सामने आया हुआ है। ठीक, तो तब से क्यों नहीं आया,
एक क्वेश्चन है ना, तो उस वक्त से डेफिनेटली एक आइडिया जनरेट हुआ था, वो प्रैक्टिकल शेप में क्यों नहीं आया। देखें, आइडियाज बेशक हों, उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए बहुत सारे मैटर्स होते हैं, इश्यूज होते हैं जिनको देखना पड़ता है। सब मेन जो सीरियस लिमिटेशन थी वो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए, डिफरेंट इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम थे वो बड़े कॉम्प्लेक्स थे, कंप्यूटेशनल पावर जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए थी उन इश्यूज को हैंडल करने के लिए, एल्गोरिदम बड़े कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम्स की वो काफी ज्यादा थी, तो हैंडल करने के लिए डेफिनेटली हार्डवेयर जो था वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता था, उसको प्रैक्टिकल शेप देना बड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा था, ठीक है। लास्ट डेकेड के अंदर क्या हुआ, हमें पता है, डिजिटल डीएलडी के कोर्स में आप पढ़ चुके हुए हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स अवेलेबल है, ठीक है, मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स को एक छोटी सी चिप के अंदर, और वो भी प्रोग्रामेबल चिप के अंदर आपने जो है वो बंद कर लिया हुआ है, तो ये टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की, ठीक है। तो इस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बदौलत ये पॉसिबल हुआ कि हम एफिशिएंट सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है, और उसके साथ साथ न्यू कोडिंग टेक्निक्स जो हैं वो रिसर्च की बदौलत सामने आई, जिनकी मदद से वायरलेस कम्युनिकेशन को कोड करना लैपटॉप सिग्नल्स के अंदर वो पॉसिबल हो गया। उसके साथ साथ जो मेन, जो सबसे बड़ी जो रीजन समझी जाती है कि बहुत कहते हैं कि इंतहाई सरप्राइजिंग इंसिडेंट जो है, या वो है सक्सेस ऑफ 2G वायरलेस स्टैंडर्ड्स, ये GSM मोबाइल्स, ठीक है, GSM मोबाइल्स के यूजर्स जो हैं वो, इनकी ग्रोथ, ठीक है, नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए विद इन वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जिसे कहते हैं ना कि लत लगाने के लिए वो हल्की सी सहूलत देते हैं, और उसके बाद फिर जब लत लग जाती है तो फिर बंदा डिमांड करता है आगे से आगे जाने के लिए। तो ये 2G जो नेट मोबाइल थे, कहते हैं कि एक दिन में चाइना में कोई मिलियन, 10 मिलियन यूजर एक साल के अंदर GSM मोबाइल के चाइना के अंदर ग्रो कर गए, ठीक है। तो डेफिनेटली जब GSM मोबाइल हमारी पॉकेट में आया, हमारे हाथों में आया, हमें फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आई कि वायरलेस सिस्टम जो है हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है। फिर वॉइस के साथ साथ इसमें हल्का सा टच आ गया डाटा कम्युनिकेशन का, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन इसमें आप शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS ये सर्विस इसमें साथ आ गई 2G के अंदर, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो रियल टाइम आपकी मैसेजेस की डिलीवरी, कॉल की सर्विस अवेलेबल। तो ये 2G यहाँ से फिर डेफिनेटली जो है एक नए इरा का आगाज होता है, फिर 3G 4G और 5G स्टैंडर्ड जो है वो सामने आ जाते हैं। तो ये मेजर रीजंस हैं, एक लीडरलेस कनेक्टिविटी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज स्केल ICs एंड द सक्सेस ऑफ 2G वायरलेस स्टैंडर्ड GSM, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से वायरलेस जो है, वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत एक उसी हॉट फील्ड जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर जो है वो सामने आया, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम एक ओवर कंपैरिजन देख लेते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन के हवाले से, थोड़ी सी हम एक कंपैरिजन जो है वो ड्रा कर लेते हैं। वायर्ड जो है, अगर हम वायर्ड नेटवर्क की, वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, तो उसमें देखें ईच केबल इज ए डिफरेंट चैनल, जितनी जितनी केबल्स होंगी उतने डिफरेंट चैनल अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको बहुत सिंपली अगर आप देखें, अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, ठीक है, तो जिस तरह फॉर एग्जांपल PTCL के DP से, ड्रॉप बॉक्स से जितने पेयर आपके पास आ रहे हैं उतने इंडिपेंडेंट चैनल इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अवेलेबल, ठीक है। जितनी केबल्स हैं हर केबल को आप एक इंडिपेंडेंट चैनल के तौर पर, एक न्यू चैनल के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं है, वन मीडिया शेयर्ड बाय आर, इसमें एक ही मीडिया है वायर, ठीक, सब लोग उसी को शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट केबल, डिफरेंट केबल चैनल्स की कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए, वायर्ड कम्युनिकेशन है, आपका जो सिग्नल है वो कन्फाइंड होके एक फिजिकल पाथ के ऊपर ट्रेवल करके जा रहा होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें अटेन्युएशन जो मिनिमम होती है, अटेन्युएशन कहते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ में जो डिक्रीज आता है उसे अटेन्युएशन कहते हैं। तो इन वाइड कम्युनिकेशन सिग्नल अटेन्युएशन इज वेरी लो, क्यों लो है, क्योंकि कोई उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है, सिर्फ छोटा मोटा लॉसेज होते हैं। डेफिनेटली कॉपर नॉर्मली यूज होता है केबल्स के अंदर,
जब उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रेवल करता है तो कोई हीट की फॉर्म में जो लॉसेस होते हैं, पावर लॉसेस जिन्हें हम कहते हैं, वो थोड़ी बहुत सिग्नल के अंदर अटेन्यूएशन आती है। वो भी अगर आपने अच्छा कोई कंडक्टर यूज किया हुआ है केबल के अंदर, तो वो लॉसेस भी फर्दर मिनिमाइज हो जाते हैं। जबकि हम वायरलेस मीडियम की अगर हम बात करते हैं, एयर इंटरफेस की बात करते हैं, तो इसमें हमारी सिग्नल अटेन्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अटेन्यूएशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आपके हाथ में नहीं रहता। जिस तरह वायर्ड मीडियम के अंदर मैंने बताया कि आपने अच्छा कंडक्टर यूज कर लिया, कॉपर यूज कर लिया, अटेन्यूएशन कम हो जाती है। जबकि एयर इंटरफेस के अंदर, वायरलेस इंटरफेस के अंदर अटेन्यूएशन पे आपका कंट्रोल लिमिटेड होता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है। ठीक है, जब हम एयर इंटरफेस के अंदर जाते हैं तो डेफिनेटली तमाम के तमाम एनवायरमेंटल फैक्टर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, नमी, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, एरोप्लेन्स, वहां से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होती है, पेनिट्रेशन होती है। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो वायर्ड कम्युनिकेशन के अंदर अटेन्यूएशन लो होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर अटेन्यूएशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। उसके साथ साथ देयर इज नो इंटरफेरेंस इज वायर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, वायर्ड कम्युनिकेशन के अंदर इंटरफेरेंस बहुत मिनिमम होती है। इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? इंटरप्शन। ठीक है, कोई नियर बाई सिग्नल आपके सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा हो, इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, वायर्ड जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर के दरमियान इंडिपेंडेंट केबल मौजूद है। ठीक है, एक सिग्नल ट्रेवल कर रहा है केबल के ऊपर, डेफिनेटली देयर विल बी नो और मिनिमम इंटरफेरेंस फ्रॉम नियर बाई सिग्नल। अगर इंटरफेरेंस है भी किसी मिनिमम लेवल पे, तो उसको भी हम बड़ी आसानी के साथ, सादा टेक्निक के साथ मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आपने कोएक्सियल केबल के अंदर देखा होगा, ठीक है, जैसे कि आपने कोएक्सियल केबल्स के अंदर देखा होगा कि आपने देखा है कि कंडक्टर होता है, उसके इर्द गिर्द एक जाली लगी होती है, मैश जिसको कहते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो स्क्रीन का काम करती है, स्क्रीन का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है कि अगर हल्की फुल्की, अगर साथ वाली केबल में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आपके सिग्नल को डिस्टर्ब कर भी रहा है, तो वो सिग्नल उस जाली से, उस स्क्रीन से, मैश से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपके सिग्नल तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इस तरह छोटी मोटी सादा अरेंजमेंट के साथ हम इंटरफेरेंस से टोटली अवॉइड कर सकते हैं इन वायर्ड कम्युनिकेशन। जबकि वायरलेस कम्युनिकेशन में आपको तो पता ही नहीं है कि आपका सिग्नल किस पाथ से ट्रेवल करके जा रहा है, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अवॉइडिंग इंटरफेरेंस टोटली। इंटरफेरेंस को से टोटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें तो और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं कम्युनिकेशन को, जिनमें सबसे एक नॉइस, नॉइज की जितनी भी अवेलेबल टाइप्स हैं, नॉइज की थ्योरी में जितनी भी टाइप्स अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी नॉइज की जो टाइप्स हैं, वो वायरलेस कम्युनिकेशन में आपके आपकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, नॉइज किसे कहते हैं वैसे हम? जी, नॉइज हम कहते हैं बेसिकली एनी अनवांटेड सिग्नल, कोई भी जो अनवांटेड सिग्नल, एक वो सिग्नल है जो आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं, इट इज डिजायर्ड सिग्नल। इस सिग्नल के अलावा जितना कोई भी सिग्नल अगर आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटर होता है, तो उसे हम नॉइज कहते हैं। इसी तरीके से को चैनल इंटरफेरेंस है। ठीक, को चैनल इंटरफेरेंस, एक फ्रीक्वेंसी पे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, साथ वाली फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल ट्रांसमिट किया, डॉपलर इफेक्ट की वजह से, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के अंदर वेरिएशन आएगी, आपका सिग्नल दूसरी साथ वाली फ्रीक्वेंसी चैनल को डिस्टर्ब करेगा, साथ वाला सिग्नल आपकी चैनल को, फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करेगा, इसे को चैनल इंटरफेरेंस कहते हैं। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होती है, दो चैनल हैं साथ साथ पैरेलल में, 1 मेगा 2 मेगा, साथ साथ दो चैनल पे कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, पैरेलल में, तो 1 मेगा वाला इसको इसमें ड्रिफ्ट करके जा सकता है, इसके वाला दूसरे में ड्रिफ्ट करके जा सकता है। एडजेसेंट चैनल, साथ साथ चैनल में जो इंटरफेरेंस होती है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में जितनी भी पॉसिबल हर्डल्स हैं कम्युनिकेशन के अंदर, वो सारी की सारी चैलेंज होती हैं, इन सबको आपको डील करना पड़ता है। ठीक है, इट इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया हो गया हुआ होगा कि वायरलेस कम्युनिकेशन, डेफिनेटली वायरलेस कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस बेशुमार हैं। ठीक है, वो हमने बात कर ली, आप चलते फिरते, लान में सोते हुए, आगे पीछे हर जगह पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बता चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, देखिए ये जो बेनिफिट है, ये तो यूजर्स के लिए है। ठीक है, ये तो यूजर्स के लिए है।
MCS 4 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, आपने इन सारे के सारे चैलेंजेस को समझना है, इनका सोल्यूशन इंप्लीमेंट करके अपने यूजर्स को सुबोध और एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये देख रहे हैं चैलेंजेस कौन कौन से हैं, इनको फिर हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट एवोल्यूशन जो हुई है, फर्स्ट जनरेशन में कैसे हैंडल किया गया, सेकंड जनरेशन में कैसे हैंडल किया गया, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में क्या जो है वो आइडिया है, और नेक्स्ट आपने यहाँ पे फर्दर अगर इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी चीज, ठीक है। अब वाई गो वी वायरलेस, वायरलेस पे जाने के एडवांटेजेस क्या क्या मिलते हैं, क्यों हम वायरलेस पे जाना चाहते हैं, भाई इतने सारे इश्यूज हैं, ठीक है। तो बाहर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं कहते हैं ये अड्डे रोले आगे छोड़ दें बस इसको छोड़ दें, तो ये क्या एडवांटेजेस हैं भाई, क्यों हम करना चाहते हैं वायरलेस पे जाना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वो एक अपनी जगह पे है, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशन हैं, ठीक है। देखिए एक ईज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको मैं अगर छोड़ भी देता हूँ, ठीक है, उसको मैं इग्नोर भी कर देता हूँ कि नहीं जी बहुत सारा चैलेंजेस हैं, बड़ा औखा काम है, इसको छोड़ दें, इसको अगर मैं इग्नोर भी कर देता हूँ तो इसके अलावा टेक्निकल जो है वो इश्यूज हैं जिनकी वजह से वायरलेस पे जाना ही जाना है, ठीक है। तो वो क्या एडवांटेजेस है, समटाइम्स इट इज इम्प्रैक्टिकल टू ले केबल्स, बाज दफा केबल्स जो है हर जगह पे केबल बिछाना पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है, ऐसी जगहों पे क्या करेंगे, हाँ जी वायरलेस नहीं होगा तो वायर बिछाना पॉसिबल ही नहीं है, क्या करेंगे, डेफिनेटली यू हैव टू इंट्रोड्यूस वायरलेस सिस्टम, ठीक है, तो आप डेफिनेटली डिमांड करेंगे कि वायरलेस सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेजेस है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे केबल्स जो है वो बिछाना पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे वायरलेस सिस्टम जो है वो आपकी हेल्प करेगा। यूजर मोबिलिटी है, यूजर मूव करना चाहते हैं, यूजर चाहता है मैं गाड़ी में बैठ के सारा दिन मैंने सफर ही करता है, मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, ठीक है, विश्वमा लोग हैं, चलते फिरते गाड़ी में सारा दिन काम भी कर रहे होते हैं, गाड़ी में सफर में भी मोबिलिटी, चलते हुए बात करना चाहते हैं, डाटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो गाड़ी में है, ट्रेन में है, आप सफर कर रहे हैं, आप ट्रांसमिशन चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू, अब केबल तो नहीं ये होगा कि आपकी गाड़ी के साथ केबल हम अटैच कर दें और वो चलती जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो डेफिनेटली यू हैव द डिमांड फॉर वायरलेस सिस्टम। उसके साथ साथ कॉस्ट है, कॉस्ट वायर्ड जो सिस्टम नेटवर्क होते हैं वो बड़े महंगा सेटअप होते हैं, ठीक है। एक छोटी सी एग्जाम्पल जो है वो अगर हमने ये बिल्डिंग के अंदर अपने डोमेस्टिक जो है वो छोटे से हॉस्पिटल में हमने ये ICT कैमरेज इंस्टॉल करवाने थे, ठीक है। तो देखें अगर आप खुद से इमेजिन कर लें, कॉलेज में फॉर एग्जांपल ICT कैमरेज जो हैं वो आपने लगवाने हैं, ठीक है, अगर आप वायर्ड सेटअप रखें तो फिर क्या क्या झंझट हैं, कितने कितने इश्यूज हैं, और अगर आप वायरलेस पे चले जाते हैं तो कितना सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो देखें वायर्ड पे अगर आप जाते हैं अच्छी केबल चूज करनी पड़ेगी, ठीक है, टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा, टेक्नीशियन जो है वो बिल्डिंग को खराब करेगा, ड्रिलिंग होगी, ठीक है, केबलिंग होगी, डक्टिंग होगी, ये सारे इश्यूज होंगे, फिर कनेक्शन का भी लूज, इंटरमीटेंट कनेक्शन, उसकी वजह से इशू, कोई भी कोई इशू, डिफरेंट इशूज जो है वो फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। जबकि वायरलेस में बड़ा सिंपल सा सेटअप है, जहाँ पे आपने कैमरा इंस्टॉल करने कैमरे लगा दें, ठीक है, एक आपके पास DVR पड़ा हुआ है, वायरलेस DVR, कोई केबल नहीं, कोई टेक्नीशियन की जरूरत नहीं, आप खुद से हम कर सकते हैं, तो ये कॉस्ट वाइज टाइम वाइज ये इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। डेफिनेटली हर चीज के एडवांटेजेस के साथ साथ लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है, जब हम वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं, वायरलेस सिस्टम्स की बात करते हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे मेन जो फर्स्ट लिमिटेशन है दैट इज बैंडविड्थ, दैट इज बैंडविड्थ, ठीक है। आपके पास डेफिनेटली आपने कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन के लिए हमें जानते हैं डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में कि अगर सिग्नल को हमने लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करवाना है तो हमें कैरियर चाहिए, ठीक है। कैरियर किसको यूज करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज करेंगे, नहीं, ठीक है, क्यों, रेडियो फ्रीक्वेंसीज एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, वायरलेसली वायरलेस पे अगर कम्युनिकेट करेंगे बिल्डिंग से, ये सारे के सारे इशूज हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज जो है वो कम्युनिकेशन में यूज करनी पड़ती है, जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा लिमिटेड सा है, ना आप लो फ्रीक्वेंसीज को यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज पे जाएंगे हार्डवेयर वाइज लिमिटेशन आ जाती है, तो बड़ा एक लिमिटेड सा बैंड आपके पास फ्रीक्वेंसीज का अवेलेबल है, जिसके अंदर रहते हुए पूरी दुनिया में आपने अनइंटरप्टेड विदाउट इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन करवानी है, तो ये बड़ी सीरियस लिमिटेशन है। कम्युनिकेशन डिमांड बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ यूजर जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते जा रहे हैं, जबकि जो बैंडविड्थ है वो वही है, बैंडविड्थ वही है, तो आप
इमेजिन कर सकते हैं कि दैट इज वेरी सीरियस चैलेंज. ये ऐसे ही है कि सर फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, ट्रांसफार्मर उतना ही है, वो एक ही पड़ा हुआ है, अगर मकान बहुत ज्यादा बन जाए क्या होगा, डेफिनेटली सर्विस उस तरीके से आपको ज्यादा अच्छी नहीं मिल सकेगी. तो यहाँ पे हमने एक अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और यूजर्स के जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनका जो इंक्रीज है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, उसको भी अकोमोडेट करना है, सर्विस पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. तो वायरलेस सिस्टम्स के अंदर ये एक चैलेंज है, लिमिटेशन, ठीक. उसके साथ साथ सेकंड जो लिमिटेशन है इट इज फिडेलिटी, ठीक है, फिडेलिटी, ठीक है जनाब. फिडेलिटी किसे कहते हैं? फिडेलिटी कहते हैं कि मैंने सिग्नल कुछ भेजा, अगले एंड पे कुछ और रिसीव हुआ, ठीक है. सेंड जो सिग्नल किया था उसमें और जो सिग्नल रिसीव हुआ है, ठीक है, उसमें कितनी सिमिलेशन है, अल्टरेशन तो नहीं आई, ठीक है, तो इसको फिडेलिटी कहते हैं. कि मैंने वन भेजा था, रिसीवर साइड पे जीरो रिसीव हुआ है, इट्स मीन पुअर फिडेलिटी, ठीक है. हमने जिसे हम कहते हैं कि खत में महरम लिखा था, पढ़ने वाले के पास मुजरम पहुंचा, डेफिनेटली पुअर फिडेलिटी, ठीक है. वायरलेस सिस्टम्स के अंदर जैसे कि हमने कंपैरिजन में देखा था, नॉइज है, को चैनल इंटरफेरेंस है, एडजस्टेड चैनल इंटरफेरेंस है, बेशुमार इश्यूज हैं. तो डेफिनेटली जो फिडेलिटी है इट इज पुअर एज कम्पेयर टू वायर्ड सिस्टम. फिडेलिटी जो सिग्नल के अल्टरेशन, सिग्नल के अंदर अल्टरेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये एक लिमिटेशन है. आपका कंट्रोल नहीं है वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर, आपका कंट्रोल वो एक लिमिटेड हद तक होता है. उसके साथ साथ पावर की लिमिटेशन है, ठीक है. जब हम वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं तो आपका जो स्विच है, मॉडम है, वो परमानेंटली आपने पावर सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है. देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ पावर, पावर की कोई लिमिटेशन नहीं है. जबकि आप वायरलेस इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, मोबाइल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, तो पावर इज एन इशू, ठीक है. जैसा कि आप लोगों के साथ आजकल के जो यूजर्स हैं, ठीक है, स्मार्टफोन के यूजर्स हैं, उनके साथ बड़ा इशू रहता है पावर, ठीक है. बैटरी बैक्ड डिवाइसेस हैं, ठीक है, बैटरी डेफिनेटली एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, बैटरी ड्रेन हो गई, आपका सिस्टम जो है वो वहीं पर रुक गया, कम्युनिकेशन फेल हो गया, ठीक है जी. तो पॉकेट में लेके चलना है डिवाइस को, वो मूव करना है तो वो बैटरी की मदद से होगा, बैटरी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, तो डेफिनेटली इट इज अ ड्रॉबैक, इट इज अ लिमिटेशन ऑफ वायरलेस सिस्टम्स. और उसके साथ साथ सिक्योरिटी, ठीक है. देखिए जब आपका आपकी इंफॉर्मेशन है, जितनी मर्जी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, जब एयर इंटरफेस के अंदर कंट्रोल आपने ट्रांसमिट कर दी, ठीक है, तो आप देखें उस पर बताएं जी क्या आप सिक्योरिटी इंपोज कर सकते हैं. कोई सिक्योरिटी इंपोज नहीं की जा सकती, सिक्योरिटी वाइज आपका कोई कंट्रोल उस सिस्टम के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है. देखें क्या होता है, कोई भी यूजर, ठीक है, सिर्फ उसको ये पता होना चाहिए कोई भी आपका एनिमी, ठीक है, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने वाला बंदा जो आपकी कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट करना चाहता है, वो क्या करे, वो एक रिसीवर बना ले. सिर्फ उसको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रांसमीटर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिशन कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी वाला रिसीवर बना ले, वो आपकी कम्युनिकेशन को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है. उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये इतना एज सच नहीं है, ये इनिशियल जो यही एवोल्यूशन हम इंशाल्लाह स्टडी भी करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में सिक्योरिटी का लेवल क्या था, फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया. डेफिनेटली ये इश्यूज थे कि पहले बड़ा सिंपल था, रिसीव किया इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर दिया. अब साथ साथ जैसे 4G पे आए हैं तो इसमें हमारे पास काफी सारी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फीचर ऐड अप हो गए हुए हैं. बहरहाल सिक्योरिटी इज एन इशू इन वायरलेस कम्युनिकेशन. वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर सिक्योरिटी एक बड़ा मेजर इशू होता है, ठीक है. हाँ बता, देखिए एक टेक्निकल जो मैंने जिस तरह से बताया था कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे वायरलेस सिस्टम के बगैर हमारा काम नहीं चलता, उनमें से मैं एक एग्जांपल यहां पे आपको देना चाहता हूं. सिक्योरिटी के हवाले से भी थोड़ा सा एक आइडिया आपको देना चाहता हूं, ठीक है, कि देखें जिस तरह फॉर एग्जांपल पायलट की कम्युनिकेशन जो होती है ग्राउंड स्टेशन के साथ, ठीक है, उसमें अब वायर बिछाना, केबल बिछाना पॉसिबल है कि आप जहाज के साथ और ग्राउंड स्टेशन के दरमियान में केबल डाल दें? पाकिस्तान से अमेरिका में जाने, वाशिंगटन जाने वाले जहाज के साथ केबल बंधी हुई हो, इट इज इम्पॉसिबल. तो ऐसी जगहों पे जहां पे केबलिंग पॉसिबल नहीं होती, फिर सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज वायरलेस सिस्टम, ठीक है. तो फिर सिक्योरिटी की क्या बात होगी, सिक्योरिटी कैसे हुई? पायलट कम्युनिकेट कर रहा है, पायलट ने ट्रांसमिट किया सिग्नल ग्राउंड स्टेशन पे, ठीक है, आपका एनिमी उसने आपकी फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है. अब आपका जो एनिमी है, पायलट को तो
50 मीटर तक मैक्सिमम नजर आता है, आगे नजर ही नहीं आता, वो आपको गाइड करता है। आपके एनिमी ने आपकी फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट कर लिया, अब वो आपको गाइड करके अपने मुल्क में उतार लेते हैं आपके प्लेन को। देखिए इशू है ना भाई, तो सिक्योरिटी जो है वो लिमिटेशन है। तो इस सिक्योरिटी को डिफरेंट वे से हैंडल किया गया। फर्स्ट जनरेशन नेटवर्क के अंदर अपना तरीकाकार, सेकंड जनरेशन में, थर्ड, फोर्थ, हर एक जो नेटवर्क्स हैं, हर जनरेशन के नेटवर्क्स हैं, उनमें डिफरेंट वेज के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको हैंडल किया गया। नॉर्मली ये जो एयर पायलट्स की कम्युनिकेशन होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन, रेडियो सेट्स होते हैं जो ट्रांसमिशन कराते हैं, ग्राउंड स्टेशन पर रिसीव करते हैं, ठीक है, वो स्टैगर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज करते हैं। ट्रांसमीटर होते हैं जो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट होते हैं, वो दो एक मिनट के लिए एक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहे होते हैं और साथ ही दूसरी पे शिफ्ट कर जाते हैं, रैंडमली फ्रीक्वेंसी स्विच करते रहते हैं कि अगर एक फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट हो भी गई है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी या आपकी बात हो आपको पता चल जाए। तो ये कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली जो है वो वायरलेस एनवायरमेंट के अंदर आपको सोचना पड़ता है, ठीक है जी। अब मेन एलिमेंट जो है वायर्ड कम्युनिकेशन की बात करें, वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, आपका डाटा है, डाटा आपका बाइनरी फॉर्मेट में मौजूद है, 0-1 की फॉर्म में मौजूद है। इस फॉर्म में फॉर्मेटिंग में डाटा को ट्रेवल नहीं करवा सकते, डाटा को ट्रेवल नहीं करवा सकते। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस डाटा इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन ए ट्रांसमिशन मीडियम और इट कैन बी ट्रांसमिटेड और प्रोपोगेटेड इन एयर एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो हमें आप अपने डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के अंदर ट्रांसमिट करना पड़ता है। बेसिक्स जो है वो हमारी कम्युनिकेशन की, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ठीक है। अच्छा भाई स्टूडेंट्स बताएं, आप में से अगर किसी को पता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, क्यों कहते हैं इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ठीक है जी। तो देखें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सिग्नल, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इसको इसलिए कहते हैं कि बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दोनों 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, तो इस तरीके से प्रोपोगेट करते रहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएट होके मैग्नेटिक फील्ड चेंज प्रोड्यूस करता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता रहता है, इसी फॉर्मेट के अंदर आपकी एनर्जी आपका सिग्नल प्रोपोगेट होता चला जाता है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है इसको दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनको फ्रीक्वेंसी की टर्म में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है जी। नॉर्मली सिग्नल कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, नॉर्मली कोई भी जो सिग्नल होता है वो किसी एक फ्रीक्वेंसी पे मुश्तमिल नहीं होता, उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को डिस्क्राइब करें इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम, तो फिर जो है वो सिग्नल की दो टाइप्स होती हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। आई होप ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं एनालॉग डिजिटल सिग्नल या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के कोर्स में भी आप पढ़ चुके हैं, यू आर फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट्स। थोड़ी सी मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं, एनालॉग सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसकी इंटेंसिटी स्मूथ फैशन में वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम एक्सिस पे वैल्यू चेंज होती है उसके साथ साथ सिग्नल की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मीन एम्पलीट्यूड, सिग्नल की हाइट जो है वो एक स्मूथ फैशन के अंदर वेरी हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है, स्मूथ फैशन के अंदर, ऐसे सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। इसमें कोई दरमियान में गैप नहीं आता, ब्रेक नहीं आता, डिसकंटिन्यूटीज मौजूद नहीं होती, ऐसे सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। वेरीज डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल के अंदर आपका जो सिग्नल है वो अपनी इंटेंसिटी को, एम्पलीट्यूड को, वोल्टेज लेवल को एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट पीरियड इट चेंजेस टू अनदर कांस्टेंट लेवल। दो कांस्टेंट लेवल्स के दरमियान आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है सिग्नल की इंटेंसिटी वेरिएट करती है, कांस्टेंटली चेंज नहीं होती ओवर टाइम, ये नहीं है कि हर वक्त चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा नहीं है। फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एक लेवल है और उस टाइम के बाद दूसरे, फॉर सेकंड पीरियड फिक्स पीरियड ऑफ टाइम सेकंड लेवल पे इंटेंसिटी आती है, तो इस तरह के सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं।
ठीक है, तो उसके साथ साथ दो टर्मिनोलॉजीज फर्दर यूज होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल एंड एपीरियोडिक सिग्नल. ठीक है, ऐसा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दैट रिपीट्स ओवर टाइम, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, ठीक है, उसको हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पीरियोडिक सिग्नल की इक्वेशन है s ऑफ स्मॉल t प्लस कैपिटल t, विच इज इक्वल टू s ऑफ t. ठीक है, s यहाँ पे नॉर्मली जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको साइन वेव्स की फॉर्म में है. s इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, s ऑफ t से मुराद क्या है, s इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या ऐसा फंक्शन है जो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर. और यहाँ पे देखें स्मॉल t प्लस t, कि जब एक प्लस टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड पीरियड है जिसके बाद सिग्नल दोबारा उसी स्टेट में आ जाता है. तो यहाँ पे ये देखिएगा s of t plus t, कि स्मॉल t के अंदर जब प्लस t टाइम पीरियड ऐड होगा, एक कैपिटल t टाइम पीरियड गुजर जाएगा, तो सिग्नल दोबारा क्या बन जाएगा, द ओरिजिनल सिग्नल s of t, जहाँ स्टार्ट पे जो सिग्नल था वही सिग्नल बन जाएगा. और ये t कहां तक जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी टाइम एक्सिस पे वैल्यू आप चेंज करते जा रहे हैं, जैसे ही एक कैपिटल टी पीरियड आता है तो सिग्नल दोबारा अपनी उसी स्टेट में आ जाता है. इट इज कॉल्ड पीरियोडिक सिग्नल. और जिसमें सिग्नल एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा उसी स्टेट में नहीं आता, बल्कि स्टेट पैटर्न सिग्नल का, स्टेट सिग्नल की चेंज हो जाती है, ऐसे सिग्नल को हम ए पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं. ठीक, तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पैटर्न दैट डजंट रिपीट ओवर टाइम, ऐसे सिग्नल को हम एपीरियोडिक सिग्नल कहते हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सिग्नल्स की बात करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डोमेन, तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, होपफुली यू आर फेमिलियर विद देम. मैं थोड़ा सा हल्का सा जिक्र यहाँ पे करता चलता जाता हूँ. पीक एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आप जानते हैं कि जो सिग्नल होता है हमारा, उसमें टाइम को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और जो हाइट वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. मैक्सिमम वैल्यू और स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल ओवर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो टाइम जहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, उस मैक्सिमम वैल्यू को, सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. नॉर्मली अगर हम सिग्नल की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की हम जब बात कर रहे होते हैं, तो एम्पलीट्यूड को हम वोल्ट्स में मेजर करते होते हैं. नॉर्मली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस, और वोल्टेजेस को मेजर करने की यूनिट वोल्ट होती है. तो नॉर्मली जो पीक एम्पलीट्यूड होता है ये वोल्ट्स के अंदर मेजर किया जाता है. उसके साथ साथ एक कांसेप्ट है फ्रीक्वेंसी का, रेट और इन साइकल्स पर सेकंड और हर्ट्ज एट व्हिच द सिग्नल रिपीट्स. ठीक है, किस रेट पे सिग्नल रिपीट हो रहा है, ठीक है, कितनी जल्दी, कितनी रैपिडली या कितना स्लोली सिग्नल पैटर्न रिपीट कर रहा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ एक टर्म यूज होती है पीरियड, ठीक है, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं. एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को, उसे टाइम पीरियड कहते हैं, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टी, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर वन रिपीटेशन ऑफ द सिग्नल, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं. कैपिटल टी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. और हम ये भी जानते हैं कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो सिग्नल देर के साथ ज्यादा टाइम के बाद रिपीट होगा, रेपिटेशन कम होगी तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी कम होगी. यहां से हमें पता चला कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या है कि सिग्नल ज्यादा टाइम लेकर पैटर्न रिपीट कर रहा है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी लो होने का मतलब ये है ज्यादा टाइम पीरियड लेके खुद को रिपीट कर रहा है. तो लेस फ्रीक्वेंसी मीन मोर टाइम पीरियड, ठीक है, एंड हाई फ्रीक्वेंसी मीन लेस टाइम पीरियड. उसके साथ साथ एक टर्म यूज होती है फेज, फेज रिलेटिव पोजीशन ऑफ, रिलेटिव पोजीशन इन टाइम विद इन ए सिंगल पीरियड ऑफ ए सिग्नल, सिग्नल की पर्टिकुलर पोजीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम उसको फेज कहते हैं. ठीक है, कि सिग्नल जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे किस पॉइंट पे है, किस पोजीशन में है, 0 degree पे है, 45, 90, 180 कहां पे है, इसको हम फेज कहते हैं. पोजीशन ऑफ ए सिग्नल एट ए पर्टिकुलर टाइम, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए सिग्नल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड फेज. ठीक, इन सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स को आगे मैं एक डायग्राम के अंदर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ.
उसके साथ साथ एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। एक साइकिल के डिस्टेंस, एक साइकिल को कवर करने के लिए जो डिस्टेंस यूज हो रहा होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ऑक्यूपाइड ए सिंगल साइकिल ऑफ द सिग्नल। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कोरेस्पोंडिंग फेज ऑफ टू कंसेक्यूटिव साइकल्स। दो सिमिलर फेज पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं सिमिलर फेज वाले, सेम एंगल वाले, उन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ का भी ग्राफिक डायरेक्टली रिलेशनशिप है रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या है कि सिग्नल ज्यादा लेंथी है, ज्यादा देर के बाद ज्यादा टाइम लेकर रिपीट होता है, इट्स मीन फ्रीक्वेंसी इज लो। और वेवलेंथ स्मॉल होने का मतलब क्या होता है कि सिग्नल स्मॉल, वेवलेंथ का मीनिंग क्या है, थोड़े डिस्टेंस में एक साइकिल मुकम्मल हो जाता है सिग्नल का, मीन इट्स फ्रीक्वेंसी इज हाई। ठीक, तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाई फ्रीक्वेंसी मीन लो वेवलेंथ एंड हाई वेवलेंथ मीन लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने एक टर्म सुनी होगी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव को माइक्रोवेव क्यों कहते हैं, माइक्रो मीन स्मॉलेस्ट, वेव मीन वेवलेंथ। ठीक है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वाली फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो वो कौन सी होती हैं, एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं उनको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये देखें, आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको कर्सर देख रहे हैं तो ये देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस पे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वर्टिकल एक्सिस पे सिग्नल की स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है, ये टाइम एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है, ठीक है, सिग्नल का ये वाला जो हाइट होती है मैक्सिमम हाइट, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एंड इट इज जो फर्स्ट डायग्राम है, ये वाली जो डायग्राम है, इट इज डायग्राम ऑफ एन एनालॉग सिग्नल, इट इज डायग्राम ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एम्पलीट्यूड का समझ आ गया हमें। आप भी देखिए, इसमें हम साइकिल किसे कहेंगे, देखिए सिग्नल यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ पे सिग्नल का फेज क्या है, जीरो डिग्री। फेज क्या है, जीरो डिग्री, और यहाँ पे आके अगेन सिग्नल का फेज क्या हो गया, जीरो डिग्री। जीरो एक्सिस से पॉजिटिव साइड पे सिग्नल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी सिग्नल जीरो से पॉजिटिव साइड पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं कि सिग्नल का एक साइकिल मुकम्मल हो गया हुआ है। एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए जितना सिस्टम ने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकेंड के अंदर ये सिग्नल कितने साइकिल मुकम्मल कर रहा है, इस तरह के कितने साइकिल एक सेकेंड में सिग्नल मुकम्मल कर रहा है, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एक साइकिल मुकम्मल करने में टाइम जितना लगा है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, या यहाँ से यहाँ तक का टाइम, इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ये यहाँ पे डिजिटल सिग्नल की वेवफॉर्म दिखाई हुई है कि सिग्नल का जो लेवल है वो कॉन्स्टेंटली वेरी नहीं कर रहा, अलबत्त दो फिक्स लेवल पे सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहती है, तो इसको हम डिजिटल सिग्नल कम कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो सिग्नल होते हैं हमारे पास एनालॉग सिग्नल, उसको हम जनरल साइन वेव की इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एस ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल ए साइन ऑफ 2 पाई एफ टी प्लस फाई। फाई यहाँ पे फेज को रिप्रेजेंट करता है। फेज ये मैं पिछली डायग्राम से दोबारा बता दूं, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे सिग्नल का जो एंगल होता है एक्सिस के साथ, इसको हम फेज कहते हैं। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल सिग्नल बना रहा होता है पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम फेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे सिग्नल का 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, हम कहेंगे फेज इज 90 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री और 0 डिग्री, ये फेज। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन जो है वो नॉर्मली हम किसी भी एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द इक्वेशन ऑफ साइन वेव, व्हिच इज एस ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल ए साइन ऑफ 2 पाई एफ टी प्लस 5, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, साइन इज द फंक्शन। ठीक है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल, साइन फंक्शन है। 2 पाई एफ टी ये 360 डिग्री को के लिए हम यूज करते हैं 2 पाई। ठीक है, 2 पाई मीन 360 डिग्री, एफ टी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, प्लस फाई फेज। ठीक है, ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हम
फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, टाइम पीरियड को चेंज करें, फाई को चेंज करें, एम्पलीट्यूड को चेंज करें, तो इन तमाम पैरामीटर्स को चेंज करने से ओवरऑल हमारे साइन जो वेव शेप है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ वेरिंग ईच ऑफ द थ्री पैरामीटर्स। अब आगे अगली डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इनमें से किसी एक पैरामीटर को चेंज करते हैं तो ओवरऑल साइन वेव के अंदर क्या चेंजेस आ जाती है। यहाँ पे देखें ए पॉइंट के अंदर दिखाया हुआ है एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 1, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज एंड फेज इज 0°। ठीक है, फेज हमारा क्या है 0, एक्स एक्सिस के साथ सिग्नल 0 का एंगल बना हुआ है और टाइम पीरियड हमारा 1 सेकंड है। ठीक है, अब बी डायग्राम जो है अगली, वो वहां पे भी मैं दिखाता भी हूँ आपको अभी अगली स्लाइड के अंदर। उसमें हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड को चेंज किया, बाकी पैरामीटर वही, फ्रीक्वेंसी फेज टाइम पीरियड वही रहने दिया, तो फिर हम देखेंगे इससे सिग्नल में क्या चेंजेस आए। उसके बाद हमने क्या किया, सी डायग्राम के अंदर हम दिखाएंगे कि हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, टाइम पीरियड हम डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा, तभी फ्रीक्वेंसी डबल हुई है, तो ये करने से सिग्नल में क्या चेंज आता है। उससे नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फेज को हमने शिफ्ट कर दिया बाय पाई बाय 4 व्हिच इज इक्वल टू 45°। तो इसकी हम ये डायग्राम्स के अंदर आप थोड़ा सा तो जो कीजिएगा, ये डायग्राम्स जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको, इनको देखिएगा। ये जो फर्स्ट डायग्राम है ए डायग्राम, इसमें देखिए एम्पलीट्यूड हमने इज इक्वल टू 1 रखा है, फ्रीक्वेंसी भी 1 है और फेज हमारा 0°। देखिए सिग्नल कहाँ से शुरू हो रहा है, 0° से ओरिजिनेट हो रहा है, फेज इज 0। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड 1 है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ तक जा रहा है सिग्नल का, 1 तक जा रहा है। ए डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये जा रहा है, ठीक है, 1, एम्पलीट्यूड इज 1, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में एक ही साइकिल मुकम्मल हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज 1, तो ये वेव शेप है। अब बी डायग्राम में हमने क्या किया, सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाफ कर दिया हुआ है, बाकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वही रखा, एम्पलीट्यूड 0.5 पे हो गया, साइकिल उतने ही रहे हैं, टाइम पीरियड भी उतना ही रहा है और फेज भी वही है, 0° से 0 के एंगल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम सी डायग्राम के अंदर देखिएगा, यहाँ पे हमने देखा, देखिए सी डायग्राम में हमने किस पैरामीटर को चेंज किया है, वी हैव चेंज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हमने डबल कर दिया, डबल कैसे हुई, टाइम पीरियड डेफिनेटली हाफ करना पड़ा, टाइम पीरियड हाफ हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली डबल हो गई। मैंने पहले बताया कि टाइम और फ्रीक्वेंसी का आपस में, कि जब फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो उससे वेव शेप में क्या चेंजेस आई, उसी 1 सेकंड के अंदर, एक साइकिल के अंदर, जहां ए डायग्राम के अंदर एक साइकिल मुकम्मल हो रहा था, अब उसी टाइम पीरियड के अंदर 2 साइकिल मुकम्मल हो रही है, या हाफ पीरियड के अंदर 1 साइकिल मुकम्मल हो रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमने 1 रखा, मैक्सिमम हाइट सिग्नल की 1 ही है, फेज 0 से ही सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, फेज वही है, चेंज किस चीज में आया, फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी हम डबल की, वेव शेप डबल। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम we have kept the amplitude is equal to 1, frequency is equal to 1, but we have changed phase angle to pi by 4. यहाँ पे हमने phase angle को pi by 4 पे change कर दिया, pi by 4 mean 45°. Now our signal will start from 45°. अब signal जो है वो 0 से angle से start नहीं होगा, ठीक है, x-axis के साथ 0 angle नहीं बनाएगा start में, बल्कि कौन सा angle बनाएगा, जी, वेरी गुड, 45° का एंगल ये बना है, देखिए तो ये 45 के एंगल से ये स्टार्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पे 45° का एंगल ये सिग्नल बना रहा है, बाकी ओवरऑल अगर वेव शेप देखें तो इसमें सिर्फ फेज चेंजेस हैं, बाकी सारी की सारी चीज वहीं पे इसको देखती है। देखिए अब सिग्नल का साइकिल कहाँ पे मुकम्मल होगा, उस पॉइंट पे मुकम्मल होगा जहां पे सिग्नल अगेन एक्स एक्सिस के साथ 45° का एंगल बना रहा हो, वो पॉइंट कहाँ पे आता है, यहाँ पे जाके आता है, इस पॉइंट पे जाके अगेन सिग्नल आपका पॉजिटिव साइड पे 45° का एंगल बना रहा है, तो यहाँ से अगेन हम पॉजिटिव साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारा अब एक साइकिल मुकम्मल होगा, यहाँ पे जाके हमारा एक साइकिल मुकम्मल होगा, ये कितने टाइम में हो रहा है, उसी टाइम में देखें, एक ही वो जितने टाइम में ये हो रहा था, 1 सेकंड के अंदर एक साइकिल मुकम्मल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली एक साइकिल 1 सेकंड में एक साइकिल मुकम्मल हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इज 1, ठीक है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना है, दैट इज 1। बच्चों ये जो है आपने होपफुली इसको प्रीवियसली भी आपको आइडिया होगा, यहाँ पे मैंने इसलिए इसको काफी एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो वेव शेप्स हैं, अगर आप किसी भी कम्युनिकेशन के कोर्स को अच्छे तरीके से इंडस्ट्री को मॉड्यूलेशन स्कीम्स के ऊपर बात करेंगे
ठीक है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिग्नल की, इस पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से काफ़ी डिटेल के अंदर एक्सप्रेस कर दिया हुआ है, होपफुली ऑल ऑफ यू हैव पिक्ड अप। अच्छा देखिए, हमने बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को दो तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हमने देख लिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो हमने देख लिया। सेकेंड एस्पेक्ट जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी डोमेन कॉन्सेप्ट्स, फ्रीक्वेंसी डोमेन कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे जिस प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर फंक्शन ऑफ टाइम में जिस एक्सिस पे टाइम था, वहां पे ये कहाँ किधर क्या चीज चली गई, फ्रीक्वेंसी चली गई। ठीक है जी, यहाँ पे अब क्या इंडिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारी फ्रीक्वेंसी चली गई है। सिग्नल डिस्क्राइब्ड एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हम फंक्शन को डिस्क्राइब करें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, या हम देखें फ्रीक्वेंसी डोमेन कॉन्सेप्ट्स को, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई गेस के ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के हवाले से, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये बहुत ज्यादा आपने ज्यादा डिटेल से पहले नहीं पढ़ी हुई होगी। तो उनमें मेन जो टॉपिक है, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखिए, कुछ स्लाइड्स पहले मैंने बात की थी कि कोई भी जो सिग्नल होता है, द सिग्नल इज नॉट कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। ठीक है, बट कंसंट्रेट कीजिएगा थोड़ा सा। व्हेन ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ ए सिग्नल आर इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ वन फ्रीक्वेंसी, इट इज रेफर्ड टू एज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कि एक सिग्नल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं दैट आर मल्टीपल ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2 मेगा। ठीक है, 2, अब उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो 2 के मल्टीपल हैं, 4 मेगा, 6 मेगा, 8 मेगा। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 मेगा। ठीक है, 2 किलो, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कि जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल, वो सेकेंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल, फोर्थ, एनी मल्टीपल, अलबत्ता तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, वो किसी एक ही फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल होते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ही कॉन्सेप्ट स्पेक्ट्रम का, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट ए सिग्नल कंटेन्स। एक सिग्नल के अंदर मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, ये सारी की सारी रेंज इस फ्रीक्वेंसी से लेके फ्लॉ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स तक इस सिग्नल के अंदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो स्पेक्ट्रम इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट सिग्नल कंटेन्स। ठीक है, अब देखिए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज स्पेक्ट्रम से क्या मुराद हुई, फिर हमारा एक सिग्नल है उसमें एक कंपोनेंट है वो 1 मेगा का है, 3 मेगा का है, 5 मेगा का है, 10 मेगा का है, तो स्पेक्ट्रम क्या होगा हमारा, फ्रॉम 1 मेगा टू 10 मेगा, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज द एब्सोल्यूट बैंडविड्थ, एब्सोल्यूट बैंडविड्थ, एब्सोल्यूट बैंडविड्थ मींस विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ ए सिग्नल, किसी भी स्पेक्ट्रम की विड्थ जो होती है, जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम है हमारा फ्रॉम 1 मेगा टू 10 मेगा, तो इसकी विड्थ क्या होगी, 10 - 1, 9 मेगा, 9 मेगा विल बी द एब्सोल्यूट बैंडविड्थ। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो जो हमें फिगर आएगी इसको हम एब्सोल्यूट बैंडविड्थ कहेंगे। ठीक, अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें, एक टर्म इसके साथ साथ एब्सोल्यूट बैंडविड्थ के साथ एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट, सॉरी इफेक्टिव बैंडविड्थ हम कहते हैं। नॉर्मली एक सिग्नल है उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अलबत्ता उस सिग्नल की जो मेन स्ट्रेंथ होती है वो चंद कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेन सिग्नल की स्ट्रेंथ पाई जाती है। ठीक है, तो इफेक्टिव बैंडविड्थ किसे कहेंगे, ठीक है, इफेक्टिव बैंडविड्थ उस बैंड को कहेंगे, उस विड्थ को कहेंगे इन विच मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ द सिग्नल रिजाइड्स। सिग्नल की मोस्टली जो पावर है वो जिस बैंडविड्थ के अंदर लाई करती है उस बैंडविड्थ को हम इफेक्टिव बैंडविड्थ कहते हैं। सो इफेक्टिव बैंडविड्थ आर जस्ट बैंडविड्थ, ठीक है, is the narrow band of frequencies there in which most of the signal's energy is contained in. Signal के mostly जो energy जिस portion के अंदर
मौजूद होती है उस पोर्शन को हम इफेक्टिव बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है ये स्टूडेंट्स, जिस तरह के प्रीवियस एग्जांपल में मैं बात करूं, सिग्नल है उसका कंपोनेंट है 1 मेगा, 1.2 मेगा, 1.3 मेगा, उसके बाद 4 मेगा, 4.1, 2, 3 अप टू 7, 5, 6, 4 से 6 तक कंजक्टिवली तमाम कंपोनेंट्स मौजूद है। तो मेन एनर्जी सिग्नल की लाई करती है फ्रॉम 4 to 6 मेगा, तो ये वाला जो बैंडविड्थ है 4 to 6, 3 मेगा, तो ये इसको हम इफेक्टिव बैंडविड्थ कहेंगे, वो बैंडविड्थ जिसके अंदर मोस्टली एनर्जी किसी भी सिग्नल की लाई करती है, इस तरह की बैंडविड्थ को हम इफेक्टिव बैंडविड्थ कहते हैं। कॉन्सेप्ट के हवाले से ही बात हो रही है, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के इन डिफरेंट टेम्परेचर्स फ्रीक्वेंसीज एंड फेजेस, यहाँ पे ये बात बड़ी समझने वाली है। और इससे पहले आई गेस कि आपको इसका ज्यादा अच्छा आइडिया नहीं है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि वो किसी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे मुश्तमिल नहीं होता, उसमें बेशुमार जो हैं वो पीरियडिक एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट फेजेस वाले, जिस तरह ये हमने देखे थे ना सिग्नल। ठीक है, ये सिग्नल हमने 4 देखे थे, इनमें से कुछ का एम्पलीट्यूड कुछ है, फ्रीक्वेंसी कुछ है, फेज चेंज है फलां। तो इस तरह के पीरियडिक सिग्नल, जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो होता है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, ऑफ पीरियडिक एनालॉग सिग्नल्स हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट फेजेस। ठीक है, तो इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के, इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के एक ओवरऑल हम एक सिग्नल ड्रा कर लेते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो बेटे इस चीज को थोड़ा सा आपने मेमोराइज करने की कोशिश करें, अगर फिर भी ये बात समझ में नहीं आई तो सेशन के एंड पे आपको क्वेश्चंस में का जो है वो टाइम मिलेगा, उसमें आप पूछिएगा। ठीक है, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करना है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो होता है, इट विल नॉट कंप्राइज ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, रादर इट कंसिस्ट ऑफ पीरियडिक एनालॉग सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, फ्रीक्वेंसीज एंड फेजेस। हाँ, अलबत्ता जब हम ड्रा करते हैं सिग्नल को तो फिर क्या होता है, ओवरऑल इनका इफेक्ट क्या होता है, सिंगल सिग्नल। ओवरऑल क्या इफेक्ट होता है, एक सिंगल सिग्नल। तो ये कैसे होता है, ठीक है, ये कैसे होता है, तो देखें ये जो अब हम क्या करते हैं, ये ऐसे ही है कि जिस तरह आप ये समझ रहे हैं कि हमने किसी कन्फाइन कर दें डिफरेंट सिग्नल को एक मीडियम के ऊपर, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल एक ही जगह पे मौजूद हों, तो वो सिग्नल किसी जगह पे जहाँ पे वो इन फेज होंगे वहां पे वो एक दूसरे को सपोर्ट करके एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे, बढ़ा देंगे। जहां पे ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे वहां पे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल करके सिग्नल को वीक कर देंगे। तो इस तरीके से रीइनफोर्स और कैंसल आउट इफेक्ट की वजह से, इन सिग्नल्स के रीइनफोर्स और कैंसल आउट इफेक्ट की वजह से एक यूनिफॉर्म एक सिंगल सिग्नल बनता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कहते हैं। और ये सिग्नल बनता कैसे है, फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सिग्नल कैसे बनता है, फ्रॉम इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, होते पीरियोडिक हैं, बल्बत्ता उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, फेज डिफरेंट होता है। हमें पता है कि जब दो सिग्नल्स का फेज सिमिलर होता है तो वो सिग्नल, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा कि जब दो सिग्नल्स का फेज सेम होता है तो वो सिग्नल एक दूसरे को री इन्फोर्स करते हैं दोनों। एक फॉर एग्जाम्पल एक सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड 4 वोल्ट है, दूसरे का 2 वोल्ट है, दोनों सिग्नल अगर इन फेज हैं तो जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। और इसी तरीके से अगर दो सिग्नल एक दूसरे के आउट ऑफ फेज है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में है दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल में है, तो ये दोनों सिग्नल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। एक सिग्नल है वो 4 वोल्ट का है और दूसरा 2 वोल्ट का है, दोनों है आउट ऑफ डिग्री, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तो फिर रिजल्ट क्या होगा, 2 वोल्ट का सिग्नल। 4 वोल्ट और 2 वोल्ट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे का। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बनता है। ठीक है, द पीरियड ऑफ द टोटल सिग्नल इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं। ठीक, सिग्नल का पीरियड किसको कंसीडर करेंगे फिर, तो भी सिग्नल हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होगा वो हम कंसीडर करेंगे, दैट इज ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड होगा वही हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का पीरियड जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कैसा जा रहा है वायरलेस कम्युनिकेशन का कोर्स, बोर तो नहीं हो रहे बच्चों, बट देखें थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, होपफुली कुछ ना कुछ आपने ऑलरेडी भी आइडिया होगा। अलबत्ता
मेरी ये कोशिश है कि यहाँ पे मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को वेग ना छोड़ूं आपके लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना हो जिसमें आपको कोई वेग आइडिया, क्लियर आइडिया आपका हर टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। अगर आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, ठीक है, यू विल बी गुड इन द कोर्स, यू विल आल्सो बी एन एफिशिएंट रिसर्चर। अगर आप थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, आप एक अच्छा रिसर्च वर्क कर सकते हैं, एक कोर्स में अच्छे ग्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, डेफिनेटली वेग आइडियाज होंगे, तो फिर इश्यूज जो है वो आ सकते हैं। होपफुली यू आर एंजॉयिंग विद मी, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा रेट एंड बैंडविड्थ। डेटा रेट के अंदर और बैंडविड्थ जो है इसमें आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। डेटा रेट किसे कहते हैं? नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन यूनिट टाइम, ठीक है, एक सेकंड के अंदर कितनी बिट्स आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसको हम डेटा रेट कहते हैं। बैंडविड्थ किसे कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमने देखा, बैंडविड्थ हमने कैसे निकाली थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, ठीक है। इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। रिलेशन क्या रिलेशनशिप है, लेट्स सी। द ग्रेटर द बैंडविड्थ द हायर द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी। बैंडविड्थ बढ़ा देंगे आपके चैनल की, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन पैरेलल में आपका चैनल जो है वो लेकर जा सकता है, ठीक है। अलबत्ता डेफिनेटली इट इज नॉट एज मच सिंपल, इतना सिंपल नहीं है कि जस्ट बैंडविड्थ को बढ़ा दें चैनल की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बैंडविड्थ को बढ़ाएंगे, बाकी जो फैक्टर्स हैं इसी तरीके से वो ज्यादा आपको इफेक्ट करना शुरू कर देंगे। बैंडविड्थ ऐसे ही समझ लें कि जिस तरह गेट है, एक रूम है, क्लासरूम है आपका, ठीक है, एक आपने नैरो सा डोर इंस्टॉल किया हुआ है, समझ लें कि नैरो डोर इज ए बैंडविड्थ। नैरो बैंडविड्थ का डिसएडवांटेज क्या होगा, एक वक्त में थोड़े स्टूडेंट अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। मैंने क्या किया, गेट लगवा दिया, नैरो डोर को हटवा दिया, बड़ा गेट लगा दिया। अब क्या होगा, जब नैरो वाला गेट था, छोटा गेट था, डस्ट मट्टी नॉइज सारा थोड़ा अंदर आ रहा था क्लासरूम के अंदर। अब जब बड़ा सारा गेट इंस्टॉल करवा दिया तो अब क्या होगा, स्टूडेंट्स के साथ साथ नॉइज, डस्ट, बाकी चीजें वो राशें वो भी ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो ये लिमिटेशन होती है। बैंडविड्थ बढ़ाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी जरूर इंक्रीज हो जाती है, बल्कि बट उसके साथ साथ नॉइज और बाकी जो इम्पेयरमेंट्स होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर वो ज्यादा आपके सिस्टम को इफेक्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। अच्छा, ये तो देखिए मैंने एनालॉग सिग्नल की बात कर दी थी कि प्रीवियसली जिस स्लाइड में हमने बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स में सिग्नल होते हैं। अच्छा बच्चों, ये भी बात बड़ी गौर से समझने वाली और माइंड में रखिएगा, डी फॉर्म होती है डिजिटल सिग्नल, स्क्वेयर वेव जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये कैसे बनती है। देखिए एनालॉग सिग्नल में तो मैंने की दिया काउंटेबल सर्टन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बन जाता है, जबकि एक जो डिजिटल सिग्नल होता है, डिजिटल वेव फॉर्म होती है, इट विल हैव इनफाइनाइट बैंडविड्थ। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो इन्फिनिट होती है, ठीक है, इन्फिनिट होती है। इसका मतलब क्या है, स्क्वेयर वेव ऐसे नहीं बनती। स्क्वेयर वेव कैसे बनी है भाई, ये देखें, ये पेन से ड्रा करना स्क्वेयर वेव तो बहुत सिंपल है, ठीक है, आप एक सेम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, स्क्वेयर वेव बन गई, ठीक है। बट इट इज नॉट एज मच सिंपल इन टर्म्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब सिग्नल की हम बात करते हैं तो उसमें यह स्क्वेयर वेव इतनी सादगी से नहीं बनती, ठीक है। तो उसमें कैसे बनती है स्क्वेयर वेव, स्क्वेयर वेव कंसिस्ट्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड हार्मोनिक्स ऑफ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी के जो ऑड हार्मोनिक्स होते हैं उनका एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड हार्मोनिक्स को ऐड करने से तब ये सरफेस फ्लैट होती है। ये सरफेस फ्लैट कैसे होती है, एक बात ये समझ लें, ठीक है, अगर कभी को मौका मिला तो मैं आपको ये स्क्वायर वेव बनती, मतलब ये शेप कैसे प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कैसे बनती है, ये आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा इस चीज को कंसेप्चुलाइज करें कि ये जो स्क्वायर वेव होती है ना, ये इतनी आइडियल होती नहीं है प्रैक्टिकली, जितनी हम पेंसिल से या डायग्राम के अंदर ड्रा की हुई हमें नजर आ रही होती है ना, ठीक है, जिस तरह ये यहाँ पे मैंने दिखाया
यहाँ पे एक यहाँ पे सिग्नल आया था, सॉरी ये देखें, इतनी फ्लैट या स्क्वेयर वेव प्रैक्टिकली होती नहीं है, ठीक है। ये कैसे होती है? नियर टू फ्लैट, नियर टू फ्लैट। और ये बनती कैसे है? बाय एडिंग, बाय मिक्सिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऑड हार्मोनिक्स को एड करने से, मिक्स करने से ये स्क्वेयर वेव शेप बनती है, ठीक है। डेफिनेटली जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड हार्मोनिक्स होंगे तो फिर बैंडविड्थ क्या होगी? जी वेरी गुड, तो फिर बैंडविड्थ क्या होगी? डिजिटल वेवफॉर्म की बैंडविड्थ जो होती है वो भी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। बट द ट्रांसमिशन सिस्टम विल लिमिट द बैंडविड्थ दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। जब हम किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते हैं, कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट बैंडविड्थ को हैंडल नहीं कर सकता, तो फिर क्या होता है? उसकी फाइनाइट बैंडविड्थ होती है, फाइनाइट बैंडविड्थ। इसीलिए मैंने कहा कि प्रैक्टिकली परफेक्ट स्क्वायर वेव पॉसिबल ही नहीं होती। जब बैंडविड्थ को लिमिट करते हैं तो वेव शेप भी फिर परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट वेव शेप के लिए क्या जरूरी होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑड हार्मोनिक्स का होना जरूरी होता है, जिसको हैंडल नहीं कर सकता कोई भी सिस्टम। तो दैट्स व्हाई परफेक्ट स्क्वायर वेव पॉसिबल ही नहीं होती, ठीक है। एंड फॉर एनी गिवन मीडियम ग्रेटर द बैंडविड्थ ट्रांसमिटेड ग्रेटर द कॉस्ट। बैंडविड्थ बढ़ाएंगे किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम की, डेफिनेटली ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को आपके सिग्नल को हैंडल करना पड़ेगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करने के लिए आपकी जो कॉस्ट होगी वो भी डबल हो जाएगी। सिस्टम जो आप बनाएंगे हैंडल करने के लिए ज्यादा बैंडविड्थ को, उसकी कॉस्ट भी उसी तरीके से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर लिमिटिंग द बैंडविड्थ क्रिएट डिस्टॉर्शन, हाँ दूसरी साइड पे जाएं कि जी बैंडविड्थ बढ़ाने से क्या हुआ? कीमत भी बढ़ गई थी, नॉइज आने के चांसेस भी बढ़ गए थे, इंपेयरमेंट्स ज्यादा आ गई थी। दूसरी साइड पे क्या करें? बैंडविड्थ को फिर लिमिट कर देते हैं। बैंडविड्थ को लिमिट करेंगे तो डिस्टॉर्शन आ जाएंगे, सिग्नल आपका जाया होना शुरू हो जाएगा। लिमिटेड बैंडविड्थ सिग्नल आपका पूरी तरह से आपका रिसीवर रिसीव नहीं कर सकेगा, उसमें जो है वो लॉसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? तो ये करना है ना वायरलेस कम्युनिकेशन का कोर्स, डाटा कम्युनिकेशन का कोर्स हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमने ऑप्टिमम ऐसे क्यों करना है कि हम बैंडविड्थ ज्यादा करके अपनी कॉस्ट भी ना बढ़ाएं, मिनिमम करके सिग्नल को की डिस्टॉर्शन को भी ना बियर करें। तो ऐसे सिस्टम पे हमने सिस्टम को लेकर आना है, तो यही बेसिकली स्किल है, ठीक है। तो होपफुली अभी तक जो हमारी डिस्कशन हुई है, आई होप कि इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने के लिए मैं जा रहा हूँ, इट इज अबाउट चैनल कैपेसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप परेशान हो, जुमातुल मुबारक भी है, तो हम नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर जो है वो लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे, ताकि मैं भी और आप सब लोग भी जुमा पढ़ सकें, ठीक है। हाँ अलबत् आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो 10 मिनट हैं या 15 मिनट हैं, ये काइंडली आप थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा मुझे कंसंट्रेशन दें। बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, काफ़ी अरसे के बाद आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर हमारी डिस्कशन हो रही है, बात चल रही है, तो कोशिश करेंगे आप कंसंट्रेशन रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चैनल कैपेसिटी। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जब हम बात करते हैं वायरलेस सिस्टम की, तो चैनल की कैपेसिटी ये बड़ी मैटर करती है, चैनल की कैपेसिटी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो किसी भी चैनल की कैपेसिटी को हैम्पर करते हैं, ठीक है, अफेक्ट करते हैं किसी भी चैनल की कैपेसिटी को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिटरमिन कर लेना कि चैनल की कैपेसिटी होती क्या है। चैनल कैपेसिटी मीन द मैक्सिमम रेट एट विच डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए गिवन कम्युनिकेशन पाथ और चैनल अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, अंडर गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो चैनल कैपेसिटी पता चला क्या होती है? मैक्सिमम डाटा रेट, मैक्सिमम रेट जिस पर आप डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। देखिए सिर्फ ट्रांसमिट नहीं करना, रिसीव भी करना है ना भाई, जिस पे आप इफेक्टिवली ट्रांसमिट करके रिसीव कर लें अंडर गिवन कंडीशंस, आपके एनवायरमेंटल कंडीशन जो भी हो उन कंडीशंस के अंदर रहते हुए मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो आप अचीव कर सकते हैं उसको चैनल की कैपेसिटी कहते हैं, उसको हम चैनल की कैपेसिटी कहते हैं। अब ये चैनल की कैपेसिटी जो है, डेफिनेटली इस चैनल की कैपेसिटी डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं जो इस चैनल कैपेसिटी को हैम्पर करते हैं, उनमें कौन कौन से हैं? इम्पेयरमेंट्स सच एज नॉइज,
लिमिट डाटा रेट दैट कैन बी अचीव्ड. इनमें सबसे मेन जो इम्पेयरमेंट है, हमने लेक्चर के इंट्रोडक्शन में वायरलेस में भी पढ़ा था, डिफरेंट इम्पेयरमेंट्स का जिक्र किया था. उनमें सबसे जो मेन इम्पेयरमेंट है वो क्या है, नॉइस. नॉइस हमारे किसी भी चैनल की कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है. ठीक है, अब अगर हम डिजिटल डाटा की बात करें तो डिजिटल डाटा रेट में क्योंकि बैंडविड्थ ज्यादा होती है, नॉइज लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो नॉइज लेवल जो है वो डेफिनेटली फिर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा सिस्टम में इंटर हो जाता है, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो इम्पेयरमेंट्स जो है, नॉइज जो है वो डिजिटल डाटा के फॉर्म में वो बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट करता है सिस्टम को. अच्छा बच्चों, आप ये बात जानते होंगे कि यही वजह है कि हम सिग्नल को कभी भी डिजिटल फॉर्म में नॉर्मली लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रांसमिट नहीं किया जाता. लॉन्ग डिस्टेंस में हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते करते. ठीक है, नॉर्मली डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिशन कहाँ से कहाँ पे होती है, आप जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम में डाटा डिजिटल फॉर्म में होता है, प्रिंटर तक आप भेज देंगे, प्रिंटर साथ ही तो पड़ा होता है, विद इन सम फीट. तो इतनी कम्युनिकेशन हो सकती है डिजिटल फॉर्म में. ठीक है, जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस में हमने डाटा को लेकर जाना होता है, हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं एनालॉग फॉर्म के अंदर. ठीक है, तो यही रीजन है कि डिजिटल डाटा के अंदर जो इम्पेयरमेंट्स हैं उनकी एनवायरमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है. चैनल कैपेसिटी के हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम दो देख लेते हैं. सबसे पहले है डाटा रेट. डाटा रेट मीन रेट एट विच डाटा कैन बी कम्युनिकेटेड. ठीक है जी, जिस रेट पे, जिसे हम नॉर्मली डाटा रेट को आप इनफॉर्मली स्पीड भी कह सकते हैं, स्पीड भी कह सकते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर चैनल पे कितनी स्पीड में हम डाटा को सेंड कर सकते हैं, कितनी बिट्स पर सेकंड में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड डाटा रेट. नेक्स्ट टर्म इज द नॉइस. ठीक है, एवरेज लेवल ऑफ नॉइज ओवर कम्युनिकेशन पाथ. एक पर्टिकुलर पाथ के ऊपर, कम्युनिकेशन पाथ के ऊपर नॉइज लेवल, एवरेज लेवल क्या है हमें पता है. चलिए मैं यहाँ पे बात कर दूंगा. नॉइज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, नॉइज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. वाइट नॉइज आपने पढ़ा होगा, इम्पल्स नॉइज, थर्मल नॉइज एटसेट्रा. ठीक है, डिफरेंट टाइप के नॉइज, उनकी एक एवरेज वैल्यू एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन पाथ के अंदर क्या होती है, इसको हम नॉइज कहते हैं. नॉइज की डेफिनेशन मैंने शुरू में आपको दी थी, अनवांटेड सिग्नल को नॉइज कहते हैं. अनवांटेड सिग्नल डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है ना, इसीलिए इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, थर्मल नॉइज, वाइट नॉइज, इम्पल्स नॉइज. ठीक है, तो इनकी जो एवरेज लेवल होता है इसको हम नॉइज कहते हैं. उसके बाद एरर रेट. एरर रेट, जब भी हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल के अंदर एवरेज कितनी बिट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी बिट्स आल्टर हो जाती हैं, चेंज होती हैं. ठीक है, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कितनी बिट्स, प्रोबेबिलिटी क्या होती है बिट्स के चेंज होने की. ठीक, अब जब भी हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें एरर किसे कहते हैं, जहां देखें मैंने टर्म बताई थी, फिडेलिटी की बात की थी, वहां पे मैंने ये बात की थी कि एरर किसे कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन में. एरर हम कहते हैं कि हमने ट्रांसमिट वन किया था, रिसीव जीरो कर रहे हैं, जैसे ट्रांसमिट जीरो की थी और वन, रिसीव वन कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एरर. इसका रेट क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी एरर्स, नॉर्मली एवरेज एरर्स, एवरेज नंबर ऑफ एरर्स आ जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, इसको एवरेज एरर रेट कहते हैं, एरर रेट कहते हैं. तो ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं दैट इज रिलेटेड टू द चैनल कैपेसिटी. अब ये चैनल कैपेसिटी को डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं, रिसर्चर्स जो हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है. ठीक है, यहाँ पे हम दो जो हैं इक्वेशंस की बात करेंगे, दो मैथमेटिशियंस जो हैं उनकी बात करेंगे. एक को हम नाइक्विस्ट बैंडविड्थ कहते हैं और एक को शैनन बैंडविड्थ कहते हैं. ठीक है, नाइक्विस्ट जो है इनका ख्याल ये था कि किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की बैंडविड्थ, चैनल की कैपेसिटी जो होती है, which is equal to 2B, double of the bandwidth, double of the bandwidth, double of the bandwidth for binary signal. Sorry, ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ C is equal to 2B, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हम binary signal की बात कर रहे हैं. So is equal to 2B, ठीक, binary signal की बात हम कर रहे हैं. कि अगर हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रखें, बाकी कम्युनिकेशन के रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं, जैसा कि नॉइज है, एरर रेट है, उनको हम कांस्टेंट कर दें और बैंडविड्थ को अगर हम डबल करेंगे तो हमारी चैनल की कैपेसिटी भी डबल हो जाए. ठीक, ठीक, अंडरस्टैंड बेटे जी. तो नाइक्विस्ट क्या कहते हैं कि अगर आप कम्युनिकेशन फैक्टर्स जो हैं, जितनी भी इम्पेयरमेंट्स हैं, उनको आप कॉन्स्टेंट बन रख लें,
कोई ऐसा सेटअप करें कि बाकी चीजों को नॉइज को एरर रेट को कांस्टेंट कर लें, और अब आप बैंडविड्थ बढ़ा दें, बैंडविड्थ बढ़ाएंगे तो आपकी चैनल की कैपेसिटी डबल हो जाएगी। इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, सी विच इज द कैपेसिटी इज इक्वल टू 2b डबल ऑफ बैंडविड्थ, डबल ऑफ बैंडविड्थ। ये इक्वेशन किसके लिए है, फॉर बाइनरी सिग्नल। क्यों है बाइनरी के लिए, क्योंकि बाइनरी जो सिग्नल होता है, डिजिटल जो सिग्नल होता है, उसकी दो स्टेट होती है, 0 एंड 1, 0 एंड 1। अगर बाइनरी सिग्नल की बात करें तो बाइनरी सिग्नल की कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, डबल ऑफ द बैंडविड्थ, 2 into b, डबल ऑफ द बैंडविड्थ। ठीक है, अब नाइक्विस्ट ने इससे अगली बात भी की है जो इससे पहले शायद आपने स्टडी ना की हो या कभी आपको आइडिया ना हो। देखिए बाइनरी सिग्नल को बाइनरी क्यों कहते हैं, बाइनरी मीन टू, दो लेवल होते हैं सिग्नल के। ठीक है, नॉर्मल सिग्नल हमारा वोल्टेजेस की फॉर्म में होता है, 0 को 0 वोल्ट कहते हैं और 1 वोल्ट को 1 कह दिया, फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट को हम नॉर्मली 1 कह देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसे सिग्नल को हैंडल करें जिसके दो नहीं मल्टीपल लेवल हो, मल्टीपल लेवल हो, एनी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 8, 16, 10 लेवल हो, 0 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 लेवल है, तो फिर हमारी चैनल की कैपेसिटी क्या होगी, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द नेक्स्ट इक्वेशन, सी इज इक्वल टू 2b लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ m विद बेस 2। ठीक है बेटे, इस चीज को समझिएगा कि चैनल की कैपेसिटी किसके बराबर आ जाएगी, देखिए 2b इट इज सेम एज बाइनरी सिग्नल, बाइनरी सिग्नल के केस में तो यही बात है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है log of m with base 2, ये क्या कहाँ से ऐड हुआ है, ये इस सूरत में ऐड हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका जो सिग्नल है उसके दो लेवल हैं फिर तो सिंपल 2b है, और अगर आप मल्टीपल लेवल हैं सिग्नल के, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 लेवल हैं, चारों वोल्ट लेवल्स को आप अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं, 0 वोल्ट को आपने एक सिंबल दे दिया, 1 वोल्ट को एक सिंबल दे दिया, 1.5 को थर्ड सिंबल का नाम दे दें, और 2 वोल्ट को आप सेट एक अलग बिट का नाम दे दें। ठीक है, 4 लेवल हैं, तो फिर चैनल की कैपेसिटी किसके को आएगी, डबल ऑफ द बैंडविड्थ इनटू लॉग ऑफ एम, एम मीन लेवल्स ऑफ सिग्नल विद बेस 2। ठीक, तो इस तरीके से नाइक्विस्ट जो है उसने किसी भी चैनल की कैपेसिटी को डिस्क्राइब किया। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखें जब हम सिग्नल लेवल को बढ़ाने की बात करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पे आएगा। ठीक है, हाँ पता, एक थ्योरेटिकल गाइडलाइन दे दी इन्होंने, ठीक है, कि फ्यूचर में आप ऐसा हार्डवेयर डिजाइन कर लेते हैं जो मल्टीपल सिग्नल लेवल को हैंडल कर लेगा तो फिर आपकी चैनल की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और होपफुली जिस तरीके से एवोल्यूशन हो रही है ना, नंबर ऑफ यूजर्स के अंदर कम्युनिकेशन डिमांड बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली हमें जरूरत पड़ेगी इन लेवल्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, कि हम एफिशिएंटली शायद ना अकोमोडेट कर सकें यूजर्स को, तो इसलिए माइंड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक टर्म यूज होती है जिसको हम सिग्नल टू नॉइज रेशो कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन के कोर्स में भी हमने पढ़ा था, सिग्नल टू नॉइज रेशो, नाम से जाहिर है रेशो है बिटवीन सिग्नल एंड नॉइज, सिग्नल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द नॉइज स्ट्रेंथ। क्या आपने एक सिग्नल ट्रांसमिट किया है, आपने एक सिग्नल ट्रांसमिट किया 2 वोल्ट का, रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर को सिग्नल मिला 1.5 वोल्ट, अटेन्यूएशन होगी 0.5 वोल्ट की। ठीक है, और उसके साथ साथ ही उसको 0.5 वोल्ट का नॉइज भी उसको रिसीव हो गया, अनवांटेड सिग्नल की सूरत में भी उसके पास 0.5 वोल्ट पहुंचे हुए हैं, तो सिग्नल टू नॉइज रेशो क्या होती है, 1.5 वोल्ट रिसीव्ड डिजायर्ड सिग्नल डिवाइडेड बाय नॉइज, तो ये हमारी क्या होगी, इसको इस रेशो को हम सिग्नल टू नॉइज रेशो कहते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशो कहते हैं। तो किसी भी सक्सेसफुल रिसेप्शन के लिए सिग्नल टू नॉइज रेशो मस्ट बी पॉजिटिव ग्रेटर देन 1। अगर ये सिग्नल टू नॉइज रेशो नेगेटिव साइड पे या लेस देन 1 वाली साइड पे जाएगी तो इसका मीनिंग क्या होगा कि नॉइज आपके रिसीवर को ओवरहैम कर रहा है। ठीक है, ओवरहैम कर रहा है, ये ऐसे ही है कि जिस तरह मैं बात कर रहा हूं पैरेलल में आपको नॉइज भी आ रहा है, तो आप जो डिजायर्ड मेरी बात सुनना चाह रहे हैं उसके साथ वो नॉइज ने एक्चुअल आवाज को दबा दिया है, वो भी नहीं आपको समझ में आ रहा। तो ये किस सूरत में होता है, जब सिग्नल का लेवल कम हो जाता है नॉइज का लेवल ज्यादा हो जाता है, हम कहते हैं कि रिसेप्शन हमारी फेल हो गई हुई है, तो इसको कहते हैं सिग्नल टू नॉइज
रेशो, रेशो ऑफ द सिग्नल पावर एंड नॉइज पावर, इसको हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशो। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज कहां पे मेजर की जाती है? सिग्नल टू नॉइज रेशो इज मेजर्ड एट द रिसीवर साइड, इसीलिए मैंने कहा कि इट आल्सो इंडिकेट्स सेंसिटिविटी ऑफ द रिसीवर, या आपके रिसीवर की सेंसिटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। अब रिसीवर की सेंसिटिविटी क्या होती है? वीकेस्ट सिग्नल रिसीवर कैन रिसीव, कमजोर तरीन वीकेस्ट सिग्नल जो एक रिसीवर रिसीव कर सकता है उसे रिसीवर की सेंसिटिविटी की कहते हैं, एंड सेंसिटिविटी ऑफ ए रिसीवर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है बेटे, तो अब देखें ये इक्वेशन जो आपको सामने नजर आ रही है, आप कहेंगे सर ये क्या एस सिग्नल टू नॉइज रेशियो एस एन आर, ये तो मैंने सिंपल रेशियो कही थी सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर, 10 लॉग ये कहां से आ गया, 10 इंटू लॉग विद बेस 10 ये कहां से आ गया। तो बेटे ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो ओरिजिनल जो होती है वो वोल्टेजेस की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसको हम डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल जो रिसीवर की सेंसिटिविटी जो है वो मेजर की जाती है डेसिबल्स के अंदर, जहां पे भी नॉर्मली ये ताल्लुक है इसका, ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई वॉइस कम्युनिकेशन के हवाले से, ऑडियो के हवाले से, जो ऑडिबल वॉइस होती है, वॉइस की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेजर की जाती है नॉर्मली डेसिबल्स के अंदर, यूनिट है मेजरमेंट की डेसिबल। तो ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो को डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिबल में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 और साथ ही इसको इस सिग्नल टू नॉइज रेशियो का लॉग ले लेते हैं विद बेस 10। तो ये 10 लॉग विद बेस 10 ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो, इट इज बेसिकली सिग्नल टू नॉइज रेशियो इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, डेसिबल को शॉर्टली डीबी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए हाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो मींस ए हाई क्वालिटी सिग्नल, सिग्नल टू नॉइज रेशियो जितनी ज्यादा हाई होगी, ये मैंने आपको बताया उसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल डिजायर्ड सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा है नॉइज कम है उतना हमारा सिग्नल की क्वालिटी हाई होगी। ठीक है, लो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इंटरमीडिएट रिपीटर्स, सिग्नल टू नॉइज रेशियो अच्छी होगी हाई होगी तो दरमियान में रिपीटर कम लगाने पड़ेंगे, डायरेक्टली आपका सिग्नल ज्यादा डायरेक्ट डिस्टेंस तक ट्रेवल करके चला जाएगा। ठीक है, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो सेट्स अपर बाउंड ऑन अचीवेबल डेटा रेट। अब ये क्यों हम बात कर रहे हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो की, कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो बेसिकली इट इज ए लिमिटेशन, इट इम्पोज लिमिटेशन ऑन द मैक्सिमम डेटा रेट दैट कैन बी अचीव्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली लिमिटेशन आपके ऊपर क्रिएट करती है कि रिसीवर है, आपने एक सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो रिसीवर की जहां पे आपको 1 या ग्रेटर देन 1 मिल रही है सिर्फ उस हद तक मैक्सिमम डाटा रेट आप अचीव कर सकते हैं, उससे आगे जाएंगे सिग्नल टू नॉइज रेशियो लेस देन 1 हो जाती है तो विच इंडिकेट के जी रिसेप्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, क्वालिटी वाली नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।